शोल्डर एक्सरसाइज नंबर टू, इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आप कोई भी 1.5 फीट लंबी तक स्टिक ले सकते हैं। ऐसे पकड़े और इनहेल करते हुए सीधा ऊपर हाथ करें, फिर शोल्डर्स को बेंड करके एक्सहेल करें, गर्दन पीछे झुकाएं और आंखों को जोर से स्क्वीज करें और फिर खोले और धीरे धीरे वापस आ जाए। इनहेल करते हुए ऊपर जाए, फोल्ड करें, एक्सहेल करें, गर्दन पीछे झुकाएं एंड स्क्वीज करें, वापस आए, अप, होल्ड, बैंक, स्क्वीज, अप, फोल्ड, बैंक, स्क्वीज। इस एक्सरसाइज को 20 बार करें। आई बॉल मूवमेंट एक्सरसाइज आईज के लिए बहुत अच्छी है, इससे विजन इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस एक्सरसाइज को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिन में 2 बार अवश्य करें। तो इसके लिए आपको सीधे खड़े होना है और एक बॉल की ज़रूरत पड़ेगी। सीधे खड़े होने के बाद पैरों में 1 फीट का गैप रखें और हाथ ऊपर ले जाकर 12 o'clock से बॉल को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मूव करें। 6 o'clock पे आके ब्लिंक करें, वापस आए, 12 o'clock पे ब्लिंक करें, ऐसे धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करें और 50 टाइम्स करें। टोटल 50 ब्लिंक्स करना है। ब्लिंक, 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 ब्लिंक। एक साइड का हो जाने के बाद आप चाहे तो 2-3 सेकंड के लिए रुके और इनहेल एक्सहेल कर ले ताकि आपको रिफ्रेशनेस आए। उसके बाद लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड से करें, 12 o'clock से शुरू करके 6 o'clock पर लाए, ब्लिंक करें और धीरे धीरे वापस आए, ब्लिंक करें, ब्लिंक, ब्लिंक, ब्लिंक। इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कोशिश करिए विदाउट ब्रेक करें। और इसके साथ साथ अगर आपको आईज में स्ट्रेन हो तो हथेली रब करके आप पामिंग कर सकते हैं। सन ट्रीटमेंट के लिए सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर और शाम को सूर्य अस्त होने से 1 घंटे के भीतर भीतर सन ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके लिए आपको पैरों में गैप करके खड़े हो, पैरों में लगभग 1 फीट का गैप हो और बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथ साइड में नीचे झूलने दें और सूरज को देखते हुए आंखें बंद कर ले और उसके बाद अपनी बॉडी को लेफ्ट टू राइट स्विंग करें। जब आप राइट साइड जाए तो लेफ्ट हील ऊपर हो और लेफ्ट साइड आए तो राइट हील, ऐसे अपनी बॉडी को स्विंग करते जाए। इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 मिनट करें। इस एक्सरसाइज को सिर्फ सुबह के समय और शाम के समय ही करनी है, दोपहर में या तेज धूप में बिल्कुल ना करें और 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आई मूवमेंट्स। इसमें आपको कमर गर्दन सीधी रख के बैठना है और बिना गर्दन और सिर को मूव किए आईज को सर्कल बनाते हुए आई मूवमेंट एक्सरसाइज करनी है। चलिए कैसे, आप गर्दन सीधी रखें और बिना गर्दन को ऊपर उठाए ऊपर देखें 10 काउंट्स तक। अब राइट में देखें, अब सर्कल बनाते हुए लोअर बिल्कुल डाउन में देखें 10 काउंट करें। अब लेफ्ट में सर्कल बनाते हुए 10 काउंट करें। अब सर्कल को कंप्लीट करते हुए फिर से ऊपर देखें। एक राउंड होने के बाद आप ब्लिंक कर सकते हैं। ऐसे इस एक्सरसाइज के आपको 10 राउंड्स रिपीट करने हैं।
और याद रखें कम से कम ब्लिंक करने की कोशिश करें और सर्कल पूरा कंप्लीट करें। 10 राउंड्स क्लॉकवाइज करें और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको एंटी क्लॉक करके दिखाता हूं। ऊपर देखें 10 काउंट्स करें, लेफ्ट डाउन राइट, सर्कल बनाते हुए ऊपर, लेफ्ट डाउन राइट, सर्कल बनाते हुए ऊपर, पामिंग एक्सरसाइज आंखों के लिए सबसे बेस्ट और रेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब करें जब तक कि दोनों हथेलियां गर्म ना हो जाए, और उसके बाद आंखें बंद करके वी बनाते हुए अपनी आंखों को ढकें और 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद करके बैठ जाए। याद रहे कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बिल्कुल बंद रखें और 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल शांत चित होकर बैठ जाए। आप चाहे तो टेबल पर बैठकर भी पामिंग कर सकते हैं और अपनी एल्बोज को रेस्ट देने के लिए कुशन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी एल्बोज को टेबल पर रख सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है, 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद रखनी है। फाइव मिनट्स का आप चाहे तो घड़ी में या मोबाइल फ़ोन में टाइमर भी लगा सकते हैं, और टाइम्स अप होने के बाद आंखें बंद रखते हुए, याद रहे आंखें तुरंत नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखते हुए फिर से दोनों हथेलियों को आपस में रब करना है और आंखों को कवर करना है फिर से। ऐसा 3 बार दोहराएंगे। फिर से हथेली रब करें, आंखों को ढके, 1 more time, अब धीरे धीरे आंखों को खोल दे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसके लिए आपको आई मास्क की जरूरत पड़ती है, जो ब्लैक कलर का या किसी दूसरे कलर का भी आता है, लेकिन मैं आपको ब्लैक कलर का सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको डार्क में ये पामिंग करनी होती है। तो आप आई मास्क को ऐसे पहने और 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए, आंखें बंद रखें और रिलैक्स होकर कमर गर्दन सीधी रखें, 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए। जब 5 मिनट्स पूरा हो जाए फिर से अंतिम प्रोसेस वही फॉलो करना है। मास्क को हटाना है, आंखें बंद रखनी है और हथेलियां आपस में रब करते हुए 3 बार आंखों को ढकना है। 1 more time और फिर धीरे से आंखें खोल देनी है। ऐसे इस एक्सरसाइज को आप दिन में भी, जब भी आपको कभी अपनी आईज थकी हुई या स्ट्रेसफुल लगे, इस एक्सरसाइज को आप दिन में कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये एक्सरसाइज विजन इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और पामिंग के बाद ही इस एक्सरसाइज को आप करें। तो हमारे हथेली में
सात पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हर पॉइंट्स को 10 टाइम्स प्रेस करना है। पहला पॉइंट यहाँ पर है अंगूठे के बिल्कुल अंतिम छोर पर, दूसरा पॉइंट आपके इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीचों बीच, और बाकी के पॉइंट्स आपके पांचों फिंगर टिप्स को आपको 10-10 बार प्रेस करना है। यहाँ से 10 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे, फिर 10 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे, और 10-10 टाइम्स पांचों फिंगर टिप्स को। चलिए एक साथ करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, पांचों फिंगर टिप्स आराम से और कंफर्टेबल प्रेशर देते हुए प्रेस करें, जितना आप दबाव महसूस कर सके। अब दूसरे हाथ से दूसरे हाथ में करें, पांचों पॉइंट सेम है, उन्हीं पॉइंट्स पर 10-10 टाइम्स प्रेस करना है। फिंगर टिप्स दोनों हाथों में पॉइंट्स प्रेस करने के बाद आपको आईज के आसपास भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको सर्कुलर मोशन में प्रेस करने हैं। यूज टू फिंगर्स, आप अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को सर्कल बनाते हुए यूज करें। फर्स्ट पॉइंट आपकी आईज में, जहां से आपकी आईब्रो शुरू होती है ठीक वहां पर सेंटर मिडिल, और थर्ड कॉर्नर में नीचे कॉर्नर मिडिल और इनर पॉइंट, इन छह के छह पॉइंट्स को टू फिंगर से रोटेशन करते हुए ऐसे धीरे धीरे मसाज करें। कॉर्नर आंखें बंद रखें, इससे आई ज्यादा रिलैक्स होगी। सेंटर, और जो लास्ट पॉइंट है ये बिल्कुल आंखों के कॉर्नर में होता है जहां पे हमारी टियर्स ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड्स के ऊपर इंडेक्स फिंगर को रखें और धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करें 5 times। इसके बाद फिंगर्स यूज करते हुए आईब्रो के ऊपर से धीरे धीरे आईज को मसाज करते हुए रिलैक्स करें 3-5 times, और नीचे भी। आईज को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आई वॉश करना। इसके लिए नेचुरल स्टाइल में या नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में एक मेथड है जिसको आई वॉश बोलते हैं। आई वॉश के लिए स्पेशली डिजाइन कप होता है जो आपको हमारी वेबसाइट या किसी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। आई वॉश कप परफेक्टली डिजाइन होता है आई शेप का, ताकि आई वॉश करते समय आपकी आईज हर्ट ना हो। तो आप इसको परचेज कर लें, और इसको आपको हल्का से ल्यूक वार्म वाटर से आई वॉश करना है। जब आप आई वॉश करें, इसमें आई वॉश कप में पहले पानी भरें और फिर आंख बंद करके आईज पर लगाए, उसके बाद गर्दन सीधी करके 20 टाइम्स ब्लिंक करना है। 20 टाइम्स ब्लिंक करें और आई वॉश करें, और हर बार आपको पानी चेंज करना है। पानी चेंज करके दोबारा से उसमें पानी भरिए और लेफ्ट आई को फिर से 20 टाइम्स ब्लिंक करिए। तो ऐसे आपको दोनों आईज को 3-3 times वॉश करना है। हर बार पानी चेंज करना है और ईच टाइम्स 20 टाइम्स कम से कम ब्लिंक करना है। स्क्वीज एक्सरसाइज आईज में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, और इस एक्सरसाइज से आईज में ब्लड सर्कुलेशन इमीडिएटली हो जाता है।
इसके लिए आप कमर गर्दन सीधी रख के बैठ जाएं और कमर गर्दन को सीधी रखते हुए आंखों को जोर से स्क्वीज करें और 10 काउंट्स करें। उसके बाद आंखों को खोल दें, रिलैक्स करें, 5 काउंट करें, फिर से स्क्वीज करें। इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स करें। बॉल गेम वी के लिए एक बॉल की जरूरत होगी जो टेनिस बॉल हो, और पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला रखते हुए खड़े हो जाएं और बॉल को जमीन पर ऐसे टॉस करेगी वो वी बनाते हुए आपके लेफ्ट हैंड में आए ऐसे, और लेफ्ट हैंड में जैसे ही बॉल आएगी आपको ब्लिंक करना है। फिर लेफ्ट से ब्लिंक करें, राइट हैंड में पकड़े और ब्लिंक करें, ब्लिंक 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 ब्लिंक। बॉल एक्सरसाइज वी को कम से कम 50 बार रिपीट करें और हर बार ब्लिंक करें। चार्ट रीडिंग एक्सरसाइज विजन इंप्रूवमेंट के लिए सबसे जरूरी है और इस एक्सरसाइज को सबसे लास्ट में करना है। स्टीम लेने से पहले ये एक्सरसाइज आपको डेली रिपीट करनी है और ये विजन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी रीडिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इसे आप डेली रीड करेंगे और जब पहले दिन आपने चेक किया था उसके बाद आपको धीरे धीरे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब इंप्रूवमेंट दिखेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इससे आपको विजन इंप्रूवमेंट का पता चलेगा। तो इस चार्ट को 6 मीटर दूर अच्छी लाइट में लगा दे, अगर पॉसिबल है तो ऐसी जगह चिपकाए जहाँ पे डे लाइट आती है, और उसके बाद आप बिना चश्मे के देखे कहाँ से आपको 4 लाइन दिख रही है। अगर आपको 4 लाइन का मतलब है 6x18 वाली लाइन आपको 6 मीटर से दिख रही है कि नहीं। अगर 6 मीटर से नहीं दिख रही है तो 5 मीटर पे खड़े होकर देखें, अगर 5 से नहीं दिख रही तो 4 मीटर पे खड़े होकर देखें, और अगर 4 पे नहीं दिख रही तो 3 पे, 3 पे नहीं दिख रही तो 2 मीटर से खड़े होकर देखें। अगर आपको जहाँ से भी आपको 4 लाइन क्लियर दिखती है वहाँ खड़े हो जाए और उसको रीड करें। रीड करने का रूल क्या है, सबसे पहले आपको लेफ्ट आई कवर करके राइट आई से रीड करना है। लेफ्ट आई बंद कीजिए और एक लेटर पढ़िए, एक लेटर पढ़ा 2 एंड देन क्लोज योर आईज एंड काउंट 1 2 2 सेकेंड्स के लिए आँख बंद करिए और 2 काउंट्स कीजिए और फिर नेक्स्ट लेटर पढ़िए 2 1 2 0 1 2 5 ऐसे रीड करना है। हर लेटर के बाद आंखें बंद करनी है 2 सेकंड के लिए और जहां तक भी आप पढ़ सकते हैं 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन वहां तक पढ़िए। जब थोड़ा सा एफर्ट करना है, आईज पे स्ट्रेन डालना है ताकि आप और ज़्यादा पढ़ पाए, जहां तक आपको दिखता है वहां तक देखें और उसके बाद फिर राइट आई कवर करके लेफ्ट आई से सेम पढ़ना है। जब आप 1x1 दोनों आंखों से पढ़ लेंगे फिर आप बोथ आईज से खड़े होके पढ़े, बोथ आई से आपको तुरंत इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। अगर आपको 4 लाइन दिख रही थी तो बोथ आई से आप एक्सरसाइज करने के बाद 5वीं लाइन भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करना है, और अगर आपको शुरू में जब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू किया है आपने, अगर तब आपको चश्मे में भी 7 लाइन नहीं दिखती है तो आपको 6 मीटर खड़े होके ये एक्सरसाइज चश्मे के साथ भी रिपीट करनी है। 6 मीटर पे खड़े हो जाए और अगर आपको 5 लाइन दिख रही है तो ऊपर से पढ़ना शुरू करें, हर लेटर के बाद आंखें बंद करें और 2 काउंट करें, और ऐसे करके धीरे धीरे 6 मीटर से आपको चश्मे में लास्ट लाइन तक दिखने लगेगी, जिसका मतलब है कि आपका विजन इम्प्रूव हो रहा है और आपका विजन 6x6 हो जाएगा। डेली सारी एक्सरसाइज करने के बाद सबसे लास्ट में स्टीम लेनी है, क्योंकि आपने कभी भी आई एक्सरसाइज 30 मिनट या 40 मिनट नहीं की है। अगर आपने कभी भी की है तो 5 मिनट या 10 मिनट, तो 30-40 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आपकी आईज पे बहुत स्ट्रेन आएगा, जिसके लिए आईज को रिलैक्स करना ज़रूरी है। तो नेचुरोपैथी का सिंपल मेथड है आई एक्सरसाइज को रिलैक्स करने के लिए, आईज को पहले आप फेस पे स्टीम लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, और फिर उस पर कॉटन पैक लगा दीजिए ताकि वहाँ पे और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो, जिससे आपकी आईज पूरी रिलैक्स हो जाएगी। तो हम सबसे पहले फेस पे स्टीम लेंगे। फेस पे स्टीम
आपको 30 से 40 सेकंड लेनी है ऐसे, और कॉन्स्टेंट ब्लिंक करते रहना है। पहले फेस पे स्टीम ले, फ्रंट फेस पे, अगर आप चाहें तो टॉवल भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कवर करें, इससे जल्दी स्टीम हो जाएगी। और जब आपके चेहरे पर हल्का सा स्वेट हो जाए, स्वेट हो जाने के बाद आप फिर राइट साइड ले और फिर लेफ्ट साइड ले, ऐसे तीनों साइड स्टीम लेते हुए कॉन्स्टेंट ब्लिंक करते हुए लेफ्ट साइड राइट साइड लेने के बाद आपको कॉटन पैक अपनी आईज पर लगाना है। कॉटन लेना है और कॉटन को ठंडे पानी में भिगो करके कॉटन को गीला करके दोनों आईज पर लगाए और 5 मिनट्स के लिए बैठ जाए और रिलैक्स करें। इससे आपकी आईज कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगी।